हेलो बच्चों, आप सबने मुझे पहचाना। मैं हूं आपकी ईशा मैम। बच्चों, उम्मीद करती हूं आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो चलो आज हम थोड़ा सा कंप्यूटर की भी तैयारी कर लें। ये 7th क्लास की बुक है आप लोगों की, विद परम कंप्यूटर्स फॉर 7th क्लास। बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि अब आप सब घर पे रहकर ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं। इसके लिए आप सब अपने घर में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स का यूज कर रहे हैं, और आप सब इसको चलाने में भी परफेक्ट। आज हम इसमें कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मींस उसके हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे पहला हमारा पार्ट आता है, वो आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको समझने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए। ये मान लीजिए कि आप हैं और ये आपका कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर को कहा नमस्ते। क्या कंप्यूटर ये बात समझ पाएगा? नहीं, उसको समझ में नहीं आएगी। उसी तरह से ये कंप्यूटर है और ये आप हैं। कंप्यूटर ने कहा 10101। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। क्या हमें ये समझ में आएगी? नहीं। तो हमें और कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे की सभी बात समझ में आए और जो हम कंप्यूटर के साथ काम करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर पाए, उनके लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर यानी कि हमारे और हमारी मशीन के बीच में एक ऐसी इंटरफेस बनाता है जिससे कि हम कंप्यूटर के साथ कांटेक्ट कर सकें, उसके साथ सभी काम कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि अभी आप लोग अपने कंप्यूटर्स में विंडोज, हो सकता है विंडो 7 यूज कर रहे हो, पहले विंडो XP भी थी, विंडो 2000, विंडो वीस्टा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में यूज हो सकता है या अभी लैपटॉप में आप लोग यूज कर रहे होंगे। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत तरीकों से काम करता है। ये नहीं है कि सिर्फ वो हमारे को ही अपनी लैंग्वेज समझाने के लिए यूज किया जाता है, उसके बहुत सारे काम है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। जब हम कीबोर्ड से कोई भी चीज अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारी सीपीयू के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद वो कंप्यूटर हमारे डाटा को लेकर जाता है मॉनिटर के पास ताकि वो डाटा डिस्प्ले हो सके। तो इतने काम के बीच में, उनके बीच में स्पीड की जो है वो मिसमैच हो जाती है। पहले यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो इस स्पीड को, डाटा के ट्रांसफर की स्पीड को मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो हमारा स्कैनर हो, मॉनिटर हो, या हमारा कीबोर्ड हो, माउस हो, इन सब की कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर में हम बहुत सारी फाइल्स जो है वो स्टोर करके रखते हैं। आप सबको पता है, आप लोग अपनी बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं, वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वो सारी फाइल्स हमारी सीपीयू के अंदर स्टोर होती हैं। तो उन फाइल्स को स्टोर करना, उनको कहाँ पर स्टोर करना है और कौन सी ड्राइव में स्टोर करके रखना है, आपने कहाँ पर सेव की है, ये सब देखने का काम भी हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। अब हमारी स्टोर की हुई फाइल्स को सिक्योरिटी देनी है कि कहीं कोई और ना उसको खोल सके, उसका बैकअप रखना है ताकि हमारी कोई फाइल अगर डिलीट हो गई है तो हम उसे रिकवर कर सकें,
और ये सब काम जो है हमारा कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है वो चार तरह से काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा आता है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं मींस हम कंप्यूटर के साथ कैसे कैसे करके उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मींस हम अपने काम के लिए, आप लोग अपने कंप्यूटर को खोल रहे हैं तो उसके अंदर आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, आइकन्स नजर आ रहे हैं, तो ये जो आइकन्स होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं? GUI। जितने भी काम हमारे विंडोज के अंदर होते हैं वो सब होते हैं हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे हमारी विंडोज 7, अभी हमने पीछे विंडोज के नाम पढ़े ना, वो सब हमारे किस में आते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर आप सब कहेंगे कि हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस कहाँ पर होता है? CUI। करेक्टर मींस इसके अंदर कोई भी आपको यहाँ पर आइकन पिक्चर्स नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जो भी काम करना है वो सब कमांड्स को अपने दिमाग में रखकर ही काम करना है, तो ये होता है हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस। अगर आप सब लोग इसको अपने कंप्यूटर के अंदर देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे इसको? मैं आप सबको इसको खोलकर करेक्टर यूजर इंटरफेस को और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आप सबको कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगी। देखो, ये है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आइकन्स हैं। ये है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आप लोग पिक्चर पे क्लिक करते हैं अपने उसको, और एरो को ले जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और वही फोल्डर जो है हमारा आगे ओपन हो जाता है। वैसे ही होता है ना, ये है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहीं पर अगर आप लोग करेक्टर यूजर इंटरफेस देखना चाहते हैं तो आप लोग सर्च बटन पर आइए, यहां टाइप कीजिए CMD, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। ये आगे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट। आप यहां पर एंटर प्रेस कीजिए या फिर इस पर क्लिक कीजिए, आपका ये कमांड लाइन इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आपको कोई पिक्चर्स नजर नहीं आ रही है, यहां सिर्फ हमारा टेक्स्ट की फॉर्मेशन में काम होता है, यानी कि जैसे हमने यहां पर कोई भी कमांड टाइप की, ये देखिए, ठीक है, यह है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। बच्चों, अभी मैं आप लोगों को इस वीक के लिए एक काम दे रही हूं, मैं अभी आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज दिखाऊंगी। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर समझाया है, उसकी क्लिपिंग्स, चैप्टर की क्लिपिंग्स भी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके आंसर्स जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी मैं आप लोगों को उसकी एक्सरसाइज दिखा रही हूं, ये देखिए, इसमें आपके 5 फिलअप्स हैं, 5 ट्रू फॉल्स हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर एक्सरसाइज को सर्च कीजिए। और आप लोगों के लिए इस चैप्टर की एक्टिविटी क्या है कि आप सब ने मुझे नेक्स्ट, जब आप लोगों के स्कूल ओपन होंगे, आपने अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की पिक्चर्स जो देखी है, अब ये देखिए ना, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या आप लोग नेट पे भी सर्च करके उनको अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स पे और ड्राइंग, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, अगर घर पर ड्राइंग शीट्स हैं या फिर नोटबुक्स हैं, आप उन पे अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको कंप्यूटर की क्लास में मजा आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। गुड बाय।